वही जिसका पति वो फैक्ट्री वाले हादसे में, ये यहां तुम्हारे साथ क्या कर रही है? मेरे साथ मेरी शादी, नताशा, नताशा मेरी बात सुनो, नताशा रुको, दूर रहो मेरी बेटी से। तुमने धूलवाड़ी में इस लड़की से शादी कर ली? कल मेरी बात सुनिए। देखिए, ये सब देखने के बाद सुनना बाकी है क्या? मैं तो जानता ही था कि तुम एक बिगड़े हुए और गैर जिम्मेदार लड़के हो। कल प्लीज गिव मी अ चांस। ओह शट अप। क्या कहना चाहते हो तुम? ये कहना चाहते हो कि तुम ये भूल गए कि तुम्हारी नताशा के साथ शादी होने वाली थी? अरे अंकल, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे तो नताशा मेरी बात। हाउ डेयर यू। मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खेलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शायद तुम्हारे घर वाले भी सब कुछ जानते थे। क्यों मिस्टर खंडेलवाल, आपने शांतनु को रोका क्यों नहीं? या फिर आप सब लोग ये भी भूल गए कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बनने वाली थी? हम खुद नहीं जानते थे अग्रवाल साहब। डैड, प्लीज मुझे गलत मत समझिए। शांत, तुमने शादी क्यों की? नहीं डैड, मैं क्या करता, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। सिचुएशन को ब्लेम मत करो, ये सब देखने के बाद भी। अरे मेरी बेटी ने इतने दिनों तक तुम पर भरोसा ही तो किया था, और उसके प्यार के बदले में तुमने उसे क्या दिया? क्या दिया तुमने उसे? अब वो तुम पर भरोसा नहीं करेगी। बस कीजिए डैड। मुझे और कुछ नहीं सुनना। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो वो सब मुझे मार डालते। प्लीज शान, और कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। इधर मंगल धोखे से अपने पिता तखत सिंह से हवेली के कागजात पर दस्तखत कराने की कोशिश करता है। ये तेरे हाथ में कागज कौन से? ये हवेली गिरवी रखने के कागजात हैं। क्या हवेली गिरवी रखने के कागज? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मंगल? घेला तो नहीं हो गया तू? अरे घेले तो हम सब हो जाएंगे जब रोज भूखे पेट हमें यूं ही सोना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पुरखों की हवेली को गिरवी नहीं रखूंगा मैं। हाँ तो ठीक है, जो करना है करो। जब एक एक करके सब भूखे मरने लग जाएंगे ना, तो हमारी आत्मा वही वास करेगी जहां हमारे पुरखों की आत्मा वास किया करती। अपनी जीभड़ी को लगाम दे। जीभड़ी पे लगाम दो? जिस पर लगाम रखनी चाहिए थी उसे हंसी खुशी विदा कर दिया। वो खनक, उसने तो आपसे वादा किया था ना
कि मैं आपका सूरज बनूंगी, मैं पैसे ला कर दूंगी। क्या हुआ? अरे उस करोड़पति को अपना पति बनाकर सज धज कर यहां से चली गई। हमें इस गरीबी में हाड़बारी करने के लिए। चुप हो जा मंगल। अरे अदा, सपना देखना छोड़ दीजिए, आपकी सांस भी अटक गई ने तो भी वापस नहीं आएगी वो। अरे एक फूटी कोडी नहीं देगी। जिंदा मार दिया हमें। इस हवेली को अगर हम गिरवी नहीं रखेंगे तो हमारी मौत के बाद हमारे क्रियाकर्म के पैसे भी नहीं बचेंगे। बस कर मंगल, बस कर। अंदाजा भी है तुमने तुमने क्या किया है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इस लड़की का क्या करें? डैड, सबके सामने शांतनु ने इससे शादी की है, आप जानते हैं इसका मतलब। अगर प्रेस में इसके बारे में पता चल गया तो आप जानते हैं क्या होगा। शांतनु, तुमने ऐसा क्यों किया? बेटा तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि हम लोगों को बता दो? देखिए मॉम, मैंने आप सबको फोन करने की कोशिश भी की लेकिन आप में से किसी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसी हालत में मैं करता तो क्या करता? पर नताशा, नताशा के तो सारे सपने टूट गए। वो इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। मैं चली जाऊंगी। क्या कहा तुमने? मैं यहां से चली जाऊंगी। थैंक गॉड, दैट्स ग्रेट। तुम जानती हो, तुमने हम सब की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच। लेकिन खानक, इतनी रात गए तुम कहां जाओगी? रात को नहीं, कल सुबह चली जाऊंगी। लेकिन इस शहर में तुम किसी को भी नहीं जानती। तो पता है मैंने तुमसे किन हालातों में शादी की है। मेरे आदा और भाई की हवेली तक पैसे पहुंचा देना, वो बहुत मुसीबत में है। खनक, तुम उस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। तुमसे वादा करता हूं कि मैं सारे पैसे उनकी हवेली तक पहुंचा दो। दिल करता है इन दागिनों को तो बस टुकुर टुकुर निहारती रहूं। अरे वो छोड़, ये देख क्या लाया हूं मैं तेरे लिए। क्या है ये? अदा ने हवेली के कागजात पे सही कर दिए। पानी से संभाल के रखना, पिछली बार की तरह यहां वहां गेनों की तरह छुपाने की गलती मत करना। किसी के भी, यानी किसी के भी हाथ में ये आने नहीं चाहिए, समझी? तो भी आप चिंता मत करो, इन्हें तो मैं ऐसी जगह छिपाऊंगी ना कि आप भी नहीं ढूंढ पाओगे। हेलो, काम हो गया? मैंने सब बरोबर निपटा दिया है। हाँ मंगल सिंह जाडेजा नाम है मेरा, मंगल सिंह जाडेजा।
हाँ सब मंगल ही मंगल होने वाला है। हाँ कुछ मुस्कुराहटें कहीं टूट कर गिरी है, सब आहटें दिलों की चुपचाप खड़ी है। खुशियां सभी यहां जिद पर अड़ी है, क्यों ये जिंदगी, ये जिंदगी इतनी डरी है। ओ सावरे सावरे रूठे हमसे, नैना बर से हुए बेघर से, बेरंग रंगरेज पिया मारी ओढ़नी, मारी रंग बदलती ओढ़नी। और सुबह होते ही खनक अपना एक फैसला शांतनु को सुनाती है। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रही। मेरा घर है और मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम ये कैसे भूल गए कि तुमने मुझसे लगन किया है, अग्नि के साथ फेरे लिए हैं। हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने के वचन लिए हैं। सारा गांव जानता है कि मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूं। मैंने कल रात बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि मैं यहां से नहीं जा सकती। ये मेरे पति का घर है और यही मेरा जीवन है। मेरी बात सुनो नताशा, खनक खनक ये सब क्या कह रही हो तुम? ये पति, ये मेरा घर, ये सब क्या हो गया तुम्हें? क्या बकवास है ये? ये बकवास नहीं, मैंने तुमसे लगन किया है। देखो खनक, ये बात तुम भी जानती हो कि जो गांव में हुआ था वो बस एक समझौता था, एक सौदा था हम दोनों के बीच में। और मैं शादी को शादी नहीं मानता। तुम चाहे उसे कुछ भी मानो, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा तुमसे लगन हुआ है और तुम इसे झूठला नहीं सकते। खनक ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम अच्छे से जानती हो कि वो सब एक नाटक था। या फिर ये घर, ये दौलत, ये शानो शौकत देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया खनक। और शायद इसलिए तुमने गांव में मुझसे उस वक्त पैसे नहीं लिए, क्योंकि तुम यहां आना चाहती थी। यू ब्लडी गोल्ड डिगर,
इधर खनक के घर छोड़कर ना जाने की बात पता लगते ही शांतनु की मां माधवी अपना आपा खो बैठती है और वो खनक को घर से निकालने की कोशिशों में लग जाती है। चल। मॉम, स्टॉप इट, क्या कर रहे हो? शांतनु, दिस इज द ओनली वे। ये गवार अनपढ़ लोग सीधी बातें नहीं समझते, इनके लिए यही तरीका बेटर है। तुम्हारे और नताशा के बीच किसी और को नहीं आने दूंगी। मॉम, लेकिन प्लीज मॉम, मेरी बात सुनिए मॉम। मॉम, आप क्या कर रही हैं? मॉम, प्लीज स्टॉप इट। डैड, मॉम को प्लीज कुछ। गेट आउट ऑफ दिस हाउस। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए मिस्टर अग्रवाल, मैं अभी इस लड़की को इस घर से निकालने वाली हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मेहरबानी करके आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती ना करें, वरना मुझे मजबूर होकर धुलवाड़ी से सबको यहाँ बुलाना पड़ेगा। और मेरी रक्षा करने के लिए वो लोग कौन सी हद तक जा सकते हैं ये शांतनु को भली भांति पता है। बेहतर ये होगा शांतनु कि तुम अपने परिवार को समझा दो। मैं इस घर की बहू हूं, तो ऐसा कोई तमाशा करके मैं अपने घर की इज्जत पर हानि नहीं आने दे सकती। कृपा करके आप लोग मुझे इस बात के लिए मजबूर ना करें। मैं राजपुतानी हूं, हम अपनी इज्जत बचाने के लिए बैर भी लेते हैं। मेरी बात सुन लो, मैं जानता हूं कि तुम ये सोच रही हो कि मैं इतनी रात गई यहां क्या कर रहा हूं। अंदर चलो, मैं बताता हूं। ये तुम्हारे अदा के हवेली के कागजात हैं। ये हमारी हवेली के कागजात आपके पास? तखत सिंह ने हवेली मेरे पास गिरवी रख दी है और ये सब मंगल सिंह की मदद से ही हो पाया है।
उसे पैसे चाहिए थे और मुझे हवेली। अब ध्यान से बात सुनो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा परिवार बेघर ना हो तो मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम इस घर में शांतनु की पत्नी ही बनकर रहो। थोड़ी बहुत मुश्किलें होंगी, शायद वो लोग तुम्हें जोर जबरदस्ती से बाहर निकालने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन तुम नहीं जाओगी।